अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। तो जी, आज का जो वीलॉग है वो हम लोगों का, बच्चों का लास्ट डे था, इस ईद की छुट्टियाँ आ रही थी तो बच्चे स्कूल जा रहे थे, उस दिन का था। इनके स्कूल में इन लोगों को फॉर्मल ड्रेस में बुलाया गया था। ईद की थोड़ी सी इन लोगों ने वीडियो वगैरह बनाई थी, शूट किया था एक छोटा सा, तो उसमें सारे बच्चों को जो था वो ईद के लिहाज से कपड़े पहन के जाना था, उसी लिहाज से बस मैंने इनको चेंज करा दिया था और तैयार हो गई थी ये लोग। आज लास्ट डे था तो इस वजह से जो अपनी फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लिए थे वो लेके जा रही थी। तो जी, एक जो था वो वलिया फ्रेंड का गिफ्ट था और एक जो था वो इश्की फ्रेंड का गिफ्ट था। इसमें मैंने था वो इन लोगों के लिए चूड़ियाँ ली थी, क्लिप्स थे और स्टिकर्स वगैरह जो थे, वो बच्चों की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं सारी, वो मैंने इसके अंदर पैक करके दे दी थी। और बस अब ये लोग निकल रही थी स्कूल के लिए। और आज जो था वो मैंने पहले, जो मैंने आपको एक दफ़ा वीलॉग आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने इफ्तार पार्टी रखी थी, वो मेरी जो थी वो मैंने अपनी ससुराल वालों की रखी थी, उसमें मेरे ससुराल वाले आए थे। और आज जो मैंने रखी थी वो अपने मैके वालों की रखी। वैसे तो मेरे अम्मी पापा, मेरी सारी सिस्टर्स जो होती हैं वो बाहर होती हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी खाला वगैरह होती हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो उनकी फैमिली को मैंने इन्वाइट किया था, खाला अपने बच्चों के साथ आ रही थी तो उनके लिए आज मैंने जो था वो तैयारी वगैरह करनी थी। इन लोगों को स्कूल छोड़ने के बाद जो था वो मैं जो चीज़ें मुझे लेनी थी मैंने कहा वो मैं ले लूँ, उसके बाद फिर हम जो है वो इफ्तार की तैयारी करेंगे। तो जी, बहुत अच्छा लगता है मुझे लोगों को बुला के इस तरह से इफ्तार खिलाना, क्योंकि हमें बहुत इसका सवाब भी मिला है। आप रोज़ेदार का इफ्तार खुलवाएं और मुझे ये जो रौनक होती है इफ्तार की, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक टाइम पे सब लोग जमा हैं, एक साथ खाना खाते हैं, मिल बैठे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसी तरह से कि हम सब मिल के खाना खाते हैं और इबादत होती है ये कल तरह की, क्योंकि हम रोज़ा रखते हैं और अल्लाह के लिए सारा काम कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। तो जी, बस अब हम यहाँ पर आ गए हैं। मैं काले चने बना रही हूँ, मैंने दोनों तरह के चने थे, सफ़ेद भी बनाए थे और काले भी बनाए थे। ये मैं चने बना रही हूँ, इसमें मैंने देखें हल्का सा ऑयल लेकर और मैंने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया है, और उसके बाद मैं इसके अंदर जो है कड़ी पत्ता शामिल करूँगी। कड़ी पत्ता जो है वो मैं स्टोर कर रखती हूँ और वो उसमें से ही बस मैंने थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दिया था, क्योंकि कड़ी पत्ते की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है तो कड़ी पत्ता जरूर डालें। उसके बाद मैंने जो था जी एक बड़ा टमाटर रेड कलर का वो शामिल कर दिया था। अच्छा, मेरे पास जो चने हैं वो तकरीबन एक से डेढ़ पाव के दरमियान के होंगे, आधा किलो से कम थे ये। तो आपने क्वांटिटी को देखते हुए चीज़ें इसके अंदर शामिल करिएगा, आप जितने चने ले रहे हों आप अपने उसी लिहाज से फिर आप इसके अंदर चीज़ें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी, मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है, हल्दी शामिल की है, कुटी मिर्च शामिल करेंगे हम इसके अंदर, पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे हम इसके अंदर, और हम शामिल करेंगे जनाब चाट मसाला। ये सारी चीज़ें हम इसको शामिल करके और हल्का सा पानी डाल के जी हम इसको खूब अच्छा सा भून लेंगे। ये मैंने इसके अंदर जो है वो आखिर में जब ये बिल्कुल भुन गया था तो मैंने इसके अंदर जो है वो जी अपना पिसा हुआ, थोड़ा सा पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा भी शामिल कर दिया था। अब ये देखें जी, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अपनी प्याज जो है वो शामिल कर दिया, बाकी जो वो हम अपनी गार्निश में शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको प्याज को पहले भी शामिल कर सकेंगे, मुझे थोड़ी सी ना खड़ी खड़ी सी प्याज लगती है इसके अंदर, तो हमने जो है वो जी बाद में इसके अंदर शामिल किया था। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, टमाटर बिल्कुल भुन जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर ये चीज़ें शामिल करेंगे, और हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी इमली भी। इमली शामिल करके मैंने जो है जी अपने काले चने शामिल कर दिए थे। काले चने को शामिल करने का, जिसमें अगर थोड़ा बहुत पानी हो तो इसको बिल्कुल खुश कर लीजिएगा, खूब अच्छा सा भून भान के जी जनाब हमारा ये तैयार हो चुका है। ऊपर से मैंने जी देखें प्याज शामिल की है, हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चें शामिल कर दी थी, बहुत मज़े का बनता है। मुझे तो खैर काले चने बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। ये मेरा तैयार हो चुका था और बस इसको मैंने रैप करके और इसको मैंने साइड में कर दिया था। उसके बाद अब यहाँ पर जो है ये मेरी कढ़ाई भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिल्कुल लास्ट में जो हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करते हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल की थी, और कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनी थी और इसका मुझे फीडबैक भी बहुत अच्छा आया कि बहुत मज़े है। तो जी वो तैयार हुई। दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो है वो मैं अच्छा सा अपना दही बड़ों वाली
चाट तैयार कर रही हूँ, इसमें मैंने सफ़ेद चने शामिल किए थे। तो जी, ये मैंने बाहर से जो बूंदी ले ली थी उसके बाद मैंने पानी गर्म किया, उसके अंदर मैंने अपनी बूंदियों को डाल दिया। 10 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही पकाया, फिर मैंने इसके अंदर पानी में ही अपनी बूंदियों को छोड़ दिया था। जब बूंदियाँ मेरी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई तो मैंने इसका पानी निकाल दिया, और बूंदियों को अच्छी तरह से पानी इसके अंदर से निकाल देना है आपने। उसके बाद अपना फिर अपनी चाट बनाइएगा, क्योंकि अगर पानी थोड़ा सा भी रह गया ना तो आपकी चाट में पानी पानी आने लगेगा। अच्छा जी, ये जो मैंने बनाई है, ये मैंने बटर चिकन बनाई थी। बटर चिकन बहुत मज़े की बनी थी। आखिर में ये भी मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल दूंगी और इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। और जिस तरह से हम बाज़ार में खा रहे होते हैं ना मलाई बोटी टाइप का, तो ये इसी तरह से हो रहा होता है, बहुत मज़े का हो रहा होता है। आखिर में आप इसके ऊपर जो है वो अपना कोयले की धूनी ज़रूर दीजिएगा, उससे इसके टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर हम आ गए थे अपनी चाटने के लिए। चाट में मैंने एक पाव के करीब जो है वो अपने सफ़ेद चने लिए हैं, इसको मैं बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से। ऊपर से मैंने इसके अंदर बूंदियाँ डाल दी हैं और बूंदियाँ भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि इसके अंदर तो भी बहुत भी कसर ना रहे, वरना फिर ये मज़े की नहीं लगते। तो जी, उसके बाद मैंने एक रायता सा तैयार किया था, उसके अंदर मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला था, और अपना जो है मैंने थोड़े से उसके अंदर लहसुन डाला था। उसको सबको मैंने ग्राइंड करके और अपना दही शामिल कर दिया था। अब मैं इसके अंदर वही दही जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अच्छा, मेरे इसके अंदर दही में अच्छा खासी मिर्चें हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी दही के अंदर जो है वो चाट मसाला शामिल नहीं किया था। अगर आपने मिर्चें थोड़ी कम रखी हो या आप ज़्यादा मिर्चें खाते हो तो आप अभी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर दीजिएगा। मैंने सिर्फ ऊपर से जो हम गार्निश करेंगे तो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला शामिल किया। मैंने इतना ज़्यादा इसके अंदर चाट मसाला शामिल नहीं किया था, क्योंकि बच्चे भी थे और बड़े भी थे और मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाती इस वजह से। और आप हाथ में रख देना अपना चाट मसाला, जिसको चाहिए होता है वो डाल लेते। ऊपर से मैंने इसके अंदर ऊपर ली की चटनी डाल दी है। उसके बाद हम जो गार्निश जब करेंगे तो हम इसके अंदर प्याज, हरा धनिया, पुदीना डाल के और उसको हम बड़ा अच्छा सा गार्निश करेंगे। उसके बाद हम इसको रैप करके इसको भी साइड में रख देंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर थोड़ा सा दही ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि बूंदियाँ जब आपका दही पी लें तो ये ना बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा मैंने पहले बना के रखी थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दही ज़्यादा शामिल किया था। यानी ये मैंने 5 बजे तक तैयार करके रख दिया था, इसलिए कि बाकी दूसरी तलने वगैरह की भी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से ये वाले काम मैंने कर करके जो जी चीज़ें मेरी तैयार होती जा रही थी वो मैं जाके टेबल पे रखती जा रही थी। और ये भी मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका था। इस तरह से भी बनाइएगा, ये बहुत मज़े का होता है। अगर आपके पास पापड़ी हो तो आप पापड़ी भी साथ में रखें तो फिर तो बहुत ही मज़ेदार सा ये बन जाएगा। तो अब इसके अलावा जो है वो मैं यहाँ पर, अब जब हमने लिया था तो अब आ गए थे जी फ्रूट काटने के लिए, क्योंकि फ्रूट ठंडे भी होते हैं, फ्रूट गर्म बिल्कुल नहीं खाए जाते, मौसम ही ऐसा है। साथ में जो है ये जी हमने टैंक बना के रखा है, थोड़ा सा टैंक बनाया था, थोड़ा हमने रू अफज़ा बनाया था, मतलब मेरे घर में जो है वो जामेशी पिया जाता है, तो थोड़ा सा जामेशीरी बना लिया था। बाकी ये कि मैंने पाकोला वगैरह भी मंगा ली थी जी। ये फ्राइज तो आपको पता है मेरे घर में ज़रूर होते हैं, तो बस हमने फ्राइज तल रही थी। साथ में मैंने सैलेड बना लिया था। ये मेरे काले चने तैयार हो चुके थे। जो जो चीज़ तैयार हो गई थी वो यहाँ पर आती चली जा रही थी। हमने जो है जी ये आलू के समोसे इसके अंदर डाल दिए हैं। ये आलू के समोसे हैं, आलू के समोसे हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर जो है वो अपने रोल भी तलेंगे। तो बस ये सबसे पहले फ्राइज तले थे, उसके बाद फिर मैंने दूसरी चीज़ें तली थी, ताकि फ्राइज जो है ना वो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं तैयार होने में। यहाँ पर हमने दस्तरखान लगा दिया था, अफ्तार का टाइम बिल्कुल होने वाला था। तो जी यहाँ दस्तरखान पे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम रखते जा रहे थे। तो मैंने इसके अंदर जो है वो काले चने, दही बड़े की चाट, रोल, समोसे, फ्राइज़ और तरबूज और अपना गरमा रखा था इफ्तार के ऊपर। उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर बाद खाना करना था, तो ये चीज़ें मैंने इफ्तार पे की थी। उसके बाद नमाज़ वगैरह से फारिग होके चाय वाय पीने के बाद फिर हमने खाना रखा था। तो सारी चीज़ें बहुत ही, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है इस तरह के कामों में। तो ये मेरा बिल्कुल अब इस वक्त तैयार हो चुका है, तो मैं आपको बस दस्तरखान पे दिखा रही हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं और किस तरह से इफ्तार को मैंने मैनेज किया था। ये तकरीबन मेरा जो था वो हम सबको मिला के तकरीबन 20 लोगों के लिए इफ्तार थी, और इसमें बच्चे भी शामिल थे। बच्चे जो हैं वो तो इतना ज़्यादा नहीं खाते पीते हैं, लेकिन ये कि फ्राइज़ वगैरह मैंने इसीलिए बनाए थे ताकि बच्चे जो हैं वो अगर कोई चीज़ ना भी ले रहे हो तो वो ये वाली चीज़ें ले लें। तो अब यहाँ पर हम जो है वो
इंतज़ार कर रहे थे अपने मेहमानों के आने का। फिर हमने जब इफ्तार किया, फिर मेरे पास टाइम ही नहीं हुआ कि मैं वीडियो बनाती। अब ये जब खाना मैं उठा के रख रही थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कढ़ाई बनाई थी, ये बटर चिकन था हमारा और बिरयानी मैंने बनाई थी। तो जी बस मेहमान आ गए थे और वो जब आपके आते हैं और आपकी आके खाते हैं तो और आपकी जब तारीफ़ करते हैं तो आपके लगता है कि सारी थकन उतर गई है और आपने जो भी काम किया वो आपके उसकी मत जो है वो वसूल हो गई है। तो इसी तरह से सभी के घर में माशाल्लाह रौनक लगी हुई होगी जी। गाइस आज हमारी छोटी खाला आई थी यानी मम्मा की खाला और उन्होंने हमारी सेकंड इफ्तार पार्टी थी। तो मम्मा हमारी नानू मतलब मम्मा की छोटी खाला आई थी। तो गाइस वो हमारे लिए गिफ्ट लाई थी और या तो आज हम इनको तो मतलब आज दी लाई थी और हम इसको हम खोलना चाह रहे हैं। तो लेट्स ओपन या तो सबसे पहले तुम्हारे से शुरू करते हैं। क्लिप्स स्टैम्प है, ये वलिया के क्लिप्स आए हैं और वलिया का बैग आया है। ये बैग बहुत पसंद आया। अब इशल का देखते हैं। इशल का भी सेम आया, सिर्फ कलर का फर्क है। फ्रोजन और इशल के कैसे क्लिप्स हैं? इशल का नेकलेस है। इशल का नेकलेस आया है। इशल का नेकलेस आया है। अब देखते हैं यूशा के लिए क्या आया है। तो जी देखते हैं कि यूशा के लिए क्या आया है। ये यूशा का है। चलो जी यूशा दिखाओ। तो सबसे पहले ये वॉलेट, ये वॉलेट आया है ईदी के लिए। वॉलेट आया है यूशा। और दिखाओ क्या आया है। बॉक्स, लेट्स सी व्हाट्स इन द बॉक्स। और ये देखते हैं भाई बॉक्स में क्या है। सो मैं इसी को देखते ही पहचान गया हूँ कि किस चीज का बॉक्स है। ओह अरे वाओ जबरदस्त वॉच। ऑन करके दिखाओ यूशा। वाह भाई जबरदस्त, ये तो वॉच आई है। बहुत अच्छी वॉच है ईशा। ईशा बस एलईडी वॉच चाहिए है। एलईडी वॉच में क्या होता है ईशा? इसके अंदर एलईडी वॉच के अंदर ये होता है, जैसे मेरे पास स्मार्ट वॉच है, एलईडी वॉच के अंदर होता है कि ये आपको डिजिटल टाइम बताती है। जैसे वो नॉर्मल घड़ियाँ होती है ना, नॉर्मल घड़ियाँ होती है ना, उसके अंदर आपको देखना पड़ता है। जैसे वो घर में घड़ियाँ होती है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, लेकिन इसके अंदर आपको साथ साथ दिखाया होता है। अच्छा अच्छा, बड़े वाले शॉपर में क्या? इसके अंदर लग रही है। या नीचे थोड़ा सा नीचे दिखाइए। हाँ और क्या है भाई? लेस है और क्या क्या है? ये पता नहीं क्या। ये मैं कैंडीज है। तीनों की होंगे ना एक एक लेस। चॉकलेट्स आई हैं और कोकोमो आया है। वाह भाई वाह, मजे आ गए। ये मेरा फेवरेट कपकेक। और कपकेक भी आ गया। वलिया तुमने बता दिया था कि मुझे ये वाला कपकेक पसंद है। तो जी ये बच्चों की जो है वो मेरी खाला आई थी इफ्तार के ऊपर, तो उनकी फैमिली आई थी पूरी माशाल्लाह, उनके बेटे और मेरी खाला सब थे। तो वो गिफ्ट लाई थी इन लोगों के लिए। कैसा लगा आप लोगों को? थैंक यू बोलेंगे आप लोग? थैंक यू। अब हम ईद के दूसरे दिन उनके घर जाएंगे तो फिर वहाँ पे जाके भी हम थैंक यू बोलेंगे। चलें जी। तो जी आज की वीडियो को बस हम यहीं पर एंड करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें जी। और रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। हम लोगों को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।